तो यार एप्लीकेशंस वाली वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आई थी, सो हियर इट इज़। एंड आज यहाँ पर मैंने आपको बताया है 6 बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस जो आप 2020 में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। तो जो नंबर फर्स्ट पे एप्लीकेशन आती है वो है स्क्रीनशॉट गो। ये एक फायरफॉक्स की एप्लीकेशन है जहाँ पर आप ऑन द गो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, यानी कि बिना वॉल्यूम बटन को प्रेस करे आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। एंड ये फीचर आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन जो इसका सबसे मेन फीचर है ये है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप वहाँ पर सर्च करते हो इस एप्लीकेशन में व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप से रिलेटेड आपके फ़ोन में जितने भी स्क्रीनशॉट्स होंगे ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देगा। अगर आप सर्च करते हो इंस्टाग्राम, तो किसी भी स्क्रीनशॉट के अगर इंस्टाग्राम लिखा हुआ होगा, फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितने भी स्क्रीनशॉट्स होंगे ये भी आपको वहाँ पर दिखा देगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर से इसको ट्राई कीजिए। ओके, सो इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो यहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन जो निकल कर आ जाता है वो है हमारा इंस्टा सेवर। सी, इंस्टाग्राम में हमें एक बेसिकली एक फीचर देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आप किसी को भी कोई भी SMS सेंड करते हो तो उसे आप वापस से अनसेंड कर सकते हो। ये हमें व्हाट्सअप में भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आप 7 मिनट के अंदर अंदर किसी भी मैसेज को डिलीट कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप में सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने मैसेज को जो है डिलीट किया। लेकिन यहाँ इंस्टाग्राम में आप कोई लिमिट नहीं, आप 7 मिनट 7 महीने तक के भी मैसेजेस को डिलीट ईजिली कर सकते हो एंड सामने वाले को पता भी नहीं चलता, वहाँ लिखा भी नहीं जाता कि आपने SMS को अनसेंड किया है। तो अगर आपको किसी के भेजे हुए मैसेज जो आप किसी ने अनसेंड कर दिया आपको इंस्टाग्राम पर, अगर आपको उसे रीड करना है तो आप पर आप इस इंस्टा सेवर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप ये ऑटोमेटिकली जितने भी SMS सामने वाला भेजता है उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसे आप बाद में कभी भी रीड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ SMS नहीं, आप जितने भी आपको इंस्टाग्राम के थ्रू नोटिफिकेशन आते हैं, लाइक इसने पोस्ट लाइक करी, इसने आपको फॉलो किया, तो सारे नोटिफिकेशंस वो यहाँ पर सेव कर लेता है जिसको आप बाद में देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ यार इस एप्लीकेशन से ना आप किसी को रिप्लाई भी दे सकते हो, यानी कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले को आपका इसमें नहीं दिखाया जाएगा कि आपके इसमें सीन लिखा गया, बिना सीन जाए आप वहाँ पर उसे रिप्लाई दे सकते हो। सो नाउ जो थर्ड एप्लीकेशन हमारे लिस्ट में है वो है QHD वॉलपेपर। नाम से समझ में आ रहा है ये एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है, लेकिन भाई यहाँ पर जो आपको वॉलपेपर्स की कलेक्शन देखने के लिए मिलती वो इतनी प्यारी कलेक्शन देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर आपको नियॉन वॉलपेपर्स, डार्क वॉलपेपर्स, एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर्स या फिर आपको कोई पेंटिंग वाले वॉलपेपर्स चाहिए वो आपको सारे के सारे वॉलपेपर्स यहाँ पर इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है लेकिन यहाँ पर आपको जो कलेक्शन देखने के मिलती है वो बहुत प्यारी, और यहाँ पर आपको जो HD वॉलपेपर्स देखने के लिए मिलते हैं, ना कि आपको लो क्वालिटी वॉलपेपर्स, आपको HD वॉलपेपर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ आप यहाँ पर वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद में आप इंडिविजुअली अलग अलग वॉलपेपर्स को सेट कर सकते हो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वॉलपेपर सेट करके अगर आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर दो तो वॉलपेपर आपके पास में रहेंगे, ना कि वो कहीं जाएंगे। तो प्लीज़ इसको एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है लेकिन मैं बोलता हूँ जरूर से ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो नाउ जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे लिस्ट में है वो है स्प्लिट क्लाउड। सी, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड होता है, आपका बंदा होता है, फिर कोई भी बंदी होती है, जहाँ पर दोनों को म्यूज़िक सुनना होता है लेकिन हमारे पास ईयरफोन एक ही होता है, लेकिन दोनों की म्यूज़िक चॉइसेस जो है वो अलग अलग होती है। तो वहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप राइट ईयरफोन और लेफ्ट ईयरफोन दोनों में से अलग अलग म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड जो ऊपर वाले सेक्शन है वहाँ पर आपको वो म्यूज़िक प्ले करना है जो आप आपके लेफ्ट ईयरफोन से प्ले करना चाहते हो, लेफ्ट साइड वाले, एंड नीचे वाले में आपको वो वाला प्ले करना है जो आपके राइट साइड से प्ले करना चाहते हो। दैट्स इट। उसके बाद में आपको प्ले बटन पर क्लिक करना है एंड दोनों में साइमल्टेनियसली अलग अलग म्यूजिक बजेंगे। बस यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आपको म्यूजिक कलेक्शन थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है, एंड अगर आपको नहीं चाहते देन आप आपके फोन में डाउनलोडेड म्यूजिक्स को भी प्ले कर सकते हो। नाउ जो 5th एप्लीकेशन लिस्ट में हमारा है वो है नॉज डिजाइन। बेसिकली इस एप्लीकेशन का मैं तो इतना यूज नहीं करता लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने स्मार्टफोन में कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो अगर आपको आपके स्मार्टफोन में जो नॉज की डिजाइन होती है वो अगर आपको इतनी नहीं पसंद देना, आप इस एप्लीकेशन को ऑप्ट कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स की वहां पर डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है जो आपके नॉच के स्मार्टफोन की नॉच के आइट साइड से आती है, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है ना। यहाँ पर आप जो है नॉच की शेप को एडजस्ट कर सकते हो, वहां पर आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो, तो इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये थे हमारे पूरे 6 के 6 ऐप्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे, एंड पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे कंटेंट आपके लिए आगे भी और आने वाले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।